निकाह के 3 साल बाद भी मैं बेऔलाद था, पर इससे मुझसे ज़्यादा मेरी बेगम दुखी थी। एक तो वो मां नहीं बन पा रही थी और दूसरा अम्मी और घर की बाकी खातून उन्हें आते जाते कुछ भी बोल देती थी। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं उसे हर दरगाह हर मस्जिद पर चादर चढ़ाने के ले गया। बहुत से हकीमों से उसका इलाज भी करवाया, यहाँ तक कि रात के सभी उसूल भी माने, फिर भी अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं उसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बेगम की जांच के बाद मुझे अपनी जांच करवाने के लिए कहा। मैंने सोचा मुझमें कोई कमी नहीं है, पर मुझे अपने बचपन के गुनाहों के बारे में पता था, इसलिए मैंने डॉक्टर के कहने पर अपनी जांच करवा ली। डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट के लिए अगली सुबह आने के लिए कहा। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं पूरी रात बचपन में किए गए गुनाहों के बारे में सोचता रहा, और फिर अगली सुबह वही हुआ जिसका मुझे डर था। बचपन में किए गए गुनाहों के कारण मेरे शुक्राणुओं में कमी आ गई थी। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे डरा हुआ देखकर डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो और आज से स्टार्टअप लेना शुरू करो, इससे तुम्हारे शुक्राणुओं में इजाफा होगा और तुम बहुत जल्द अब्बा बन जाओगे। और जैसा उन्होंने फरमाया था, 1 साल में ही अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। अब मैं रोज़ स्टार्टअप का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मेरे बचपन के गुनाहों को बख्शा और मुझे अब्बा बना दिया। शुक्रिया स्टार्टअप।